फरीदकोट च पिछले दिन यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान गुरलाल सिंह भुल्लर के कतल मामले में अज गुरलाल भलवान के पिता सुखचैन सिंह भुल्लर ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं पुलिस की जांच से वड्डे सवाल चुके हैं। पुलिस जांच बेभरोसगी जतांदिआं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सूबा प्रधान सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ते डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता नूं चिट्ठी लिख के इंसाफ की जिथे गुहार लगाई गई है उत्थे ही जल्द इंसाफ ना मिलने ते खुदकुशी करने की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके गलबात करदिआं सुखचैन सिंह भुल्लर ने कहा कि फरीदकोट पुलिस गुरलाल भलवान कतल मामले में सही जांच नहीं कर रही है। देखो जी, मेरा नाम सुखचैन सिंह है। मैं जर्मन कलोनी फरीदकोट का रहने वाला है। मेरा लड़का गुरलाल सिंह भुल्लर भलवान जिहड़ा सी वो जिला यूथ कांग्रेस का प्रेजिडेंट सी ते गोलेवाला जोन तो लोगों का चुनिया होया एक जिला परिषद मैंबर सी। मिति 18/2/21 नूं मेरे लड़के गुरलाल सिंह का कतल बड़ी बेरहमी के नाल मेरिया अखा के सामने जुबली चौंक फरीदकोट के वेंद्या गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। मेरे लड़के गुरलाल सिंह की मौत तो बाद वो अपने पिछे अपनी एक पत्नी कोई 28 साल उम्र की छोटे छोटे दो मासूम बच्चे ने जिन्होंने वो छड़ के तुर गया। मेरे लड़के के कतल संबंधी फरीदकोट पुलिस वालों मुकदमा दर्ज किया गया सी। इस केस की सब तो पहली गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की और मेरे लड़के के कतल संबंधी पुलिस वालों कुछ दोषियों नामजद करके साथियों समेत गिरफ्तार भी किया गया सी, जिन्हों बाद पता नहीं किस दे कहन ते जां किस तरह इन्होंने किस कारण करके छड़ दिता है। 302 दे विच उन्हां नूं शामिल किया गया ते वह मेरे कोल उहदी कापी भी पई आ। जदों मैं इस विषय ते जा के SSP साहब नूं ते होर पुलिस अफसरां नाल गल कीती मिलिया है मेरे अपना इस लड़के नूं जिहड़े ने अपने दोषी ने इन्हां नूं छड्डन दे विच मैनूं पुछे दस्या जावे भी ये किहदा हाथ है छडाउण दा, छडा रहा कोई जां तुसीं आप छड्ड रहे जां क्यों छड्डिया गया है कि मैं तां किसे दा नां ही नहीं सी लिखाया भी पुलिस ने इन्हों अपना गिरफ्तार किया पुलिस ही इन्हों छड़ रही है मैनू नहीं पता है क्यों छड़ रही है। 302 दे विच इन्होंने शामिल भी किया मुकदमे च इन्हों पुलिस वालों मेरे लड़के के कातलों के मुकदमे के जेड़े मेरे नाल पैरवाई कर रहे ने साथ दे रहे ने मेरा उन्होंने भी डराया धमकाया जा रहा खज्जल खुआर किया जा रहा है। तो मैं ये गल पहलों भी SSP साहब नूं मिल के कह चुका है कि SSP साहब जे मैनूं न्याय नहीं मिलिया मेरा पुत्र मैनूं नहीं मिल जाना पर मैं वो मगर जरूर चला जावगा मैं इत्थे बवांगा दरी बिछा के ते सारा बयान नोट लिख के इत्थे बवांगा मैं जिउंदा घर नहीं जाऊँ पर मैनूं उन्होंने ये आख्या भी तुसीं सानूं 2 दिन टाइम तो दिओ सानूं 2 दिन टाइम तो दिओ अज चौथा 5वां दिन हो गया है उहदा कोई सिट्टे दे पुलिस नहीं पहुँची जेडे मुजरम इन्होंने फड़े ने तोते वांगू रटे रटाए उस तरह ही बोली जाते हैं। जे उन्होंने शूटरों लियाए ने मनते अं लिया लिया के देंदे ने चिट्टे मंदिर को गुरु नानक कलोनी के 1 नंबर गली को गुठते तार दिता उन्होंने वो रात भी किसी को रहे ने किसी तो उन्हें रोटियां भी खाधिया ना तो मंदिर च रहे ने ना वो कितने सड़कते उन्होंने रात कट्टी है ये क्यों नहीं लभ रहे भी वह बंदे की दे कर रहे ने किंदा हथे नाल होर क्यों नहीं उन्होंने पुछगिछ की जा रही और मेरी निगाह च किसी नूं चपेट नहीं पुलिस ने मारी जबानी कलामी पुछ पड़ताल करके वो आपका टाइम सार रहे ने। इस तो मैनूं साफ यार हुंदा है कि मेरे लड़के के कतल के फरीदकोट शहर के इलाके के प्रभावशाली किसी लोगों का हाथ हो सकता है जेड़ा कोई मेरे इस साडे मुकदमे नूं ढा लाउणी चाहुंदे ने जो किस तरह भी गिण लो बचा रहे ने दोषियों नूं वो क्यों बचा रहे ने कौन बचा रहा है ये बारे मैनू पता लगना चाहिए सारा। तो मेरे को इस तो जी दखलदारी कर रहे ने मेरे को इस तो अलावा कोई भी चारा नहीं गा जे मेरे लड़के दे मेरा बच्चा तो चला गया इस दुनिया तो मैं गवाह बैठा है पर जे वो अपना कतल का कोई मैनू इंसाफ नहीं मिलता प्रशासन या सरकार मैनू इंसाफ नहीं देंदी ते मेरे कोल अपना जीवन लीला खत्म करन तो बिना कोई चारा नहीं गा वो मैं करांगा ते मैं लिख के करांगा सारा कुछ आपका जो नोट लिख के जावांगा
ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਰੋਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਅਤੇ 3 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ? अज तक ना गुरलाल बराड़ ने यह साढ़े गुरलाल नू वेख्या है, ना साढ़े गुरलाल ने गुरलाल बराड़ नू वेख्या, दोवें ही एक दूजे दी शकलां दे वाक बने, ना उन्होंने कोई लेना देना ही आ किसी तरह का भी। असी गुरलाल बराड़ नू एवें बेचारे नू दुश्मन बना लीए, ओदा गुरलाल बराड़ जिहड़ा है ओदे जिम्मेवारी इन्हां किहड़ा ग्रुप है मैनूं ते भी नहीं पता, उस ग्रुप ने लई ही भी असी मारिया है, हुण जदों साडा गुरलाल दा कतल होया उन्होंने उदों भी जिम्मेवारी ली पई है, तो उदों भी जिम्मेवारी ली सी, असीं हुण भी जिम्मेवारी नहीं पई, असीं मारिया साडे नाल गल करो जिन्हें करनी है। चलो ये जिहड़ियां आम मोबाइलों से चीज़ा आ जांदियां उह तां वेख ही लैंदे हां आपां, उहदे च फिर गुरलाल दा मेरी मंग इह आ, सरकार तों वी मेरी तां हथ जोड़ के मंग आ ते प्रशासन तों वी, इहदी जड़ तक जाया जावे, सारी गल कढ के सामने लियांदी जावे, ते नहीं तां मैं तां आपदा जो बयान दे चुका एस एस पी साहब नूं वी कह के आया सी दफ्तर दे विच, ते मीडिया दे सामने वी मैं बयान दे रहा है वी मैं अपना इत्थे खुदकुशी तो बिना मेरे कोई चारा नहीं गा, मैं आपदी जीवन लीला खत्म कर लाँगा, मैं आपदे जे बच्चे दा इंसाफ ना मैनूं मिलदा होया ते चिट्ठी पत्र होणियां मेलां जिहड़ियां पाईआं ने वी मैनूं इहदा न्याय दवाया जावे, सानूं इंसाफ मिले। फरीदकोट तो संदीप सेठी की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।